टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग की घटना हुई थी। इस हादसे में हॉस्पिटल से शिफ्टिंग के दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई थी और जिसको लेकर हॉस्पिटल प्रशासन पर तमाम सवाल उठ रहे थे कि किस तरह से ये फायर ऑडिट अस्पताल का नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है विक्रांत चौहान, वो आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और अस्पताल पर प्रशासन पर जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर विक्रांत चौहान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जिस तरह से ये घटना हुई थी प्राइम क्रिटिकल अस्पताल में, शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, तो इस पर आप आज पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, क्या निवेदन दिए हैं, क्या मांगनी पूरी की है? देखिए, मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं माहिती अधिकार में। उसमें एक डॉक्यूमेंट ये कहता है, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर का लिखित है, सिग्नेचर किया हुआ, कि इस हॉस्पिटल को CFO की परमिशन नहीं थी, फायर की परमिशन नहीं थी। दूसरा एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो डॉक्यूमेंट बोलता है कि उसमें माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने 2019 में ऑर्डर दी थी, 28 अप्रैल 2019 में, कि थाना के जितने CFO जिनको ये नहीं है, CFO की परमिशन नहीं है और इलीगल हॉस्पिटल, सब तुरंत एक हफ्ते में बंद कीजिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि अगर ये हॉस्पिटल उस वक्त माननीय उच्च न्यायालय का अवमान करके ये खुला नहीं रखते थे, तो आज ये नौबत नहीं आती थी, लोगों की जान है। अभी आपके कुछ लोगों ने पूछा कि 2 हफ्ते क्यों लगे। देखिए, हम कांग्रेसी है, हम पूरे डॉक्यूमेंट जब तक हाथ में नहीं मिलते, हमारे लोगों ने बाकी का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने सत्कार किया, जिन्होंने बचाया उनका सत्कार किया, वो सब किया, लेकिन अभी मामले के तह तक जाना चाहिए, तो पहले उसके लिए अपने पास प्रूफ चाहिए। हवा में हम बोलते नहीं। जैसा भी नाली सफाई का काम चालू है, तो नाली सफाई नहीं हुई तब कांग्रेस आवाज़ उठाएगी। अच्छा विकांत सर, आपने जो डॉक्यूमेंट्स की बात की है, तो अस्पतालों के खिलाफ आपने क्या क्या ऐसे एविडेंस अभी जुटाए हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं? देखिए, मैंने एक हाईकोर्ट की ऑर्डर रखी है, दी है इनको, जिसमें कहा है कि हॉस्पिटल बंद करो करके, 28 अप्रैल 2019 में, तो 2 साल हो गए हॉस्पिटल बंद नहीं, बराबर। दूसरा डॉक्यूमेंट है फायर ब्रिगेड की, NOC नहीं है करके ऐसे फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने लिख के दिया है इन्हें। तो हमने ये मांग की है, सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर गुनाह नहीं दाखिल होना चाहिए, गुनाह ये जिन लोगों ने हॉस्पिटल बंद नहीं किया उन सभी पर होना चाहिए, जितने अधिकारी है शामिल, तो इन सब पर ये गुनाह दाखिल होना चाहिए और ये तपास ठीक तरीके से होना चाहिए, नहीं हुआ तो ये क्राइम में देना चाहिए, ऐसी हमने मांग की है CP साहब। अगर इसे गुनाह नहीं दाखिल होता है तो अगला कदम जो है कांग्रेस का, बैठ जाएंगे अनशन पर इधर, कांग्रेस का बिकने वाली नहीं है ना। विकास चौधरी, एक और भी सवाल उठ रहा है जो मुंब्रा शहर के लोग उठा रहे हैं कि जिस वक्त आग की घटना हुई थी, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग वहां पर आए थे, लेकिन आपके पार्टी का कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। मैं 4:30 बजे खुद आया था, लेकिन मुझे आदत नहीं वो प्रेस के सामने आके स्टेटमेंट देने नहीं, लेकिन फिर भी कोई वीडियो ऐसे वायरल तो होती है ना कि हाँ फला नेता आए थे, ऐसे कोई भी सुराग, कोई भी वीडियो निकालिए। मैं खुद 4:30 बजे ट्रैक सूट पर आया था, आपने भी बाइक में कहा था कि जो है हम आए थे लेकिन किसी ने देखा नहीं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम राजनीति नहीं करना चाहते। तो एक सवाल उठ रहा है, शहर के लोग बोल रहे हैं कि क्या किसी मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनकर विक्रांत सर आए थे क्या यहाँ पर, जो दिखाई राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ मैं मिस्टर इंडिया जरूर हूँ। मैं मिस्टर इंडिया इसलिए हूँ कि मैं सभी को साथ में लेके चलता हूँ, मैं जात पात पे विश्वास नहीं रखता, मैं कोई आरक्षण में विश्वास नहीं रखता, मैं मिस्टर इंडिया हूँ, इनविजिबल मिस्टर इंडिया नहीं हूँ, विजिबल मिस्टर इंडिया। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो कांग्रेस के विक्रांत चौहान थे वो जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन आज पहुँचे हुए थे, मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सारे देशवासियों को, जितने मुस्लिम बांधव हैं उनको सबको ईद की शुभकामनाएं। जिस तरह से ये आग की जो घटना हुई थी प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस जो है वो अपना रुख कड़ा करती हुई नज़र आ रही है और जो भी इसमें दोषी है उन पे खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के विक्रांत चौहान यहाँ पर पहुँचे थे, उनका साफ कहना है कि अगर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इनका अगला कदम आंदोलन होगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।